आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, हाल आपका, सवाल आपका। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 साल से ज्यादा समय से सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे लोगों से जवाहर बाग खाली कराने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने असलहों से हमला कर दिया। फायरिंग के बाद हुए बवाल में थानेदार और एसपी की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये कि आखिर पार्क पर अवैध कब्जा हुआ कैसे, इस घटना के पीछे के सच पर डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में मथुरा के जवाहर बाग में गुरुवार शाम को अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर कब्जा जमाए बैठे लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद हुए बवाल में थानेदार और एसपी सिटी की मौत हो गई, जबकि नगर मजिस्ट्रेट समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मथुरा के डीएम राजेश कुमार ने कहा कि जवाहर बाग इलाके में कुछ लोग बेशकीमती सरकारी जमीन पर करीब 2.5 साल से कब्जा जमाए बैठे थे। स्थानीय प्रशासन कब्जा हटाने का कई दिनों से प्रयास कर रहा था। शाम को जब प्रशासनिक अधिकारियों का अमला वहां पहुंचा तो अंदर बैठे लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार ये एक सरकारी बाग है, जवाहर बाग, जिसको खाली कराया जाना था। ये एक अनाधिकृत रूप से ऑक्युपाई किया हुआ लैंड था, उसको खाली कराए जाने का प्रयास था। काफी समय से लोगों को समझाया जा रहा था, बुझाया जा रहा था, नोटिस दिए जा रहे थे, अनाउंस कराया जा रहा था। आज भी एक रैकी पार्टी यहाँ पे पुलिस की थी, जो व्यवस्था देखने आई थी, उनके ऊपर जिन्होंने यहाँ अतिक्रमण किया था उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया। और विजय बहादुर पाठक, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय बहादुर जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले को लेकर आपकी? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। जो समाचार मिल चुके हैं वो दुख दे रहे हैं। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वास्तव में वो कष्टदायी है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस, जिस पुलिस तंत्र को वहां जाना था उसके पास पहले से वो सारी सूचनाएं क्यों नहीं थी जी? क्या कर रही थी वहां की अधिसूचना इकाई? क्योंकि मामला एक दिन का नहीं है, और अगर लगातार वहां जखीरे जुट रहे थे या परिस्थितियां बन रही थी तो कोई हवा में तो गया नहीं होगा हथियार, बम असलहे। तो क्या कर रहे थे लोग और क्यों इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ? आखिर आज हमारे पुलिस के साथी प्रदर्शनकारी मरी तो जनता है, और राज्य के सरकार की लापरवाही के कारण कौन लोग इस मृत्यु के दोषी हैं? जांच उसकी भी होनी चाहिए। ये फैसले क्यों और किन परिस्थितियों में लिए गए, क्यों नहीं सूझबूझ से फैसला लिया गया? और आज परिणत यह है कि जल रहा है मथुरा, जल रहा है उत्तर प्रदेश, जिस पर हमारे रक्षा की जिम्मेदारी है। उस पुलिस का इकबाल लगातार घट रहा है जब से अखिलेश सरकार आई। प्रतापगढ़ से अगर आप शुरू करिए तो मथुरा तक है जी, वो बयां करती है कि लोगों का भरोसा दिख रहा है, लोग आक्रामक हैं इन पुलिस कर्मियों पर, और सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है जी। विजय बहादुर जी, आपकी नजर में गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है यहाँ पर? देखिए, सरकार की नीतियां क्यों ये फैसले लिए गए? अगर कल जाना था तो यह जानकारी पहले से होती तो प्रॉपर पुलिस जाती ना, पहले सर्च करने की स्थिति होती अगर असलहे गए थे तो, और असलहे हवा में तो गए नहीं होंगे, मथुरा के किसी सड़कों से ही तो गए होंगे जी। तो ये सूचना हमको आपको नहीं कलेक्ट करना था ना, उनका ये इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। और अगर ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो ये परिणति हुई ना, पहले पुलिस के लोग घायल हुए, फिर पुलिस के लोगों ने उन लोगों को मारा, लेकिन मरे तो लोग ना, मरी तो जनता जी, बिल्कुल आम लोगों को, तो उत्तर प्रदेश है जी, आम लोगों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है विजय जी। चलिए विजय जी, यहाँ पर सीधे तौर पर सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और हमारे संवाददाता शिवा तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। शिवा, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, बीजेपी ने सीधे तौर पर जो राज्य सरकार है उस पर निशाना साधा है, उसकी नीतियों को जिम्मेदार यहाँ पर बताया है। बिल्कुल, देखिए, नीतियाँ जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं है, पूरे प्रदेश में जगह जगह पर अवैध कब्जे हैं। आप चाहे पूरब से लेकर पश्चिम तक देख लीजिए कि जगह जगह पर अवैध कब्जे हैं, और ज्यादातर ये कब्जे पिछले 3 से 4 साल के भीतर किए गए हैं। अगर आप राजधानी लखनऊ की बात कर लीजिए तो राजधानी लखनऊ में ही कितने अवैध कब्जों के मामले सामने आए हैं,
लेकिन उन पर कार्रवाई के नाम पर पुलिस या प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। एक कब्जा हटाया गया था जो कि खुद सपा के नेता थे, सपा काबिज पार्टी है सरकार में, रामपाल भी यादव के प्रॉपर्टी में अवैध कब्जा था, उसको वहां पर कब्जा ढहाया गया। उसमें भी रामपाल के लोगों ने पुलिस के ऊपर रिवाल्वर तानी थी और मारपीट की घटना हुई थी। उसके बाद भी अभी भी कई ऐसे बाहुबली लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है राजधानी में भी, और उनके खिलाफ सिर्फ नोटिस की कार्रवाई हो रही है। यानी अब और यहाँ तक कि आपको बता दें, राजधानी का एक मोहनलालगंज इलाका है जहाँ पर पिछले दिनों कब्जा हटाने के लिए जो लोकल प्रशासन है, पुलिस है, वो पहुंची है, उनके साथ भी मारपीट गाली गलौज की गई है। तो ऐसी चीजों से भी अगर प्रशासन या सरकार नहीं चेतती है तो फिर ये सीधे तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो या तो इन चीजों का बढ़ावा दे रही है और या फिर उनमें कार्रवाई करनी नहीं चाहती है। अब जिस तरीके से कार्रवाई की गई वो भी आधी अधूरी बिना तैयारी के, तो इसमें इस तरीके का वाकया हादसा हुआ है कि जिसमें एक एसपी और एक एसओ को खोना पड़ा है। तो लापरवाही कहीं ना कहीं साफ तौर पर है। अवैध कब्जों को लेकर जिस तरीके से उदासीनता सरकार में देखी गई है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रही है। और आज भी ऐसे तमाम हजारों एकड़ जमीन है पड़ी हुई है जहां पर अवैध कब्जे हैं, बाहुबलियों के कब्जे हैं, कुछ में तो सफेदपोश नेता भी शामिल हैं, चाहे वो जिस पार्टी के हों, और कुछ ऐसे दबंग लोग हैं जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, लेकिन उनको छुड़ाने की ना तो सरकार कोई ठोस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल शिवा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शिवा। सौरभ गौतम हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है, सत्याग्रहियों ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, मांगे उनकी लोकतंत्र विरोधी थी, बावजूद इसके राज्य सरकार ने कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया, उदासीनता यहाँ पर बरती गई, सामंजस्य की कमी यहाँ पर देखने को मिली, नतीजा इस तरह का हादसा सामने आया। जी बिल्कुल, देखिए दो साल से जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसकी उदासीनता पूरी तरह से नजर आती है इसमें। देखिए दो दिन के लिए सत्याग्रही यहाँ पर परमिशन लेके जिला प्रशासन से आए थे, उसके बाद 400-500 की संख्या में यहाँ पर आए थे। उन्होंने दो साल तक सरकारी जमीन जो 270 एकड़ में उद्यान विभाग की बेशकीमती जमीन है जो जिला प्रशासन के समीप ही है उस पर कब्जा शुरू कर दिया। दो दिन की कहकर दो साल से अधिक हो गए। पुलिस प्रशासन ने कई बार इन्हें बचाने की कोशिश की, इन्हें प्यार पूर्वक समझाया कि इसे खाली कर दीजिए, ये सत्याग्रही के लिए नहीं है, सत्याग्रह करने के लिए नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। और फिर उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में से भी रिट दायर कर दी। हाईकोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि आपने हमारा समय बर्बाद किया है और आपको 50,000 रुपए का जुर्माना लगाती है समय की बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद प्रशासन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रशासन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इसे खाली कराने का, जैसे भी होता है इसे खाली कराने। कल जैसे ही पुलिस प्रशासन पहुंचा वहां पर देखने लिए कैसे खाली हुआ रिहर्सल के लिए, तो उधर से जो सत्याग्रही थे उन्होंने उनके ऊपर जब फायरिंग कर दी, फायरिंग करते हुए फिर उन्होंने पुलिस को देखा था, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर दी अपने बचाते हुए, जिसके बाद एक एसओ से फरे संतोष कुमार यादव जिनके गोली लगी आंख में, जिसके तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाकर इनकी मौत हो गई। और इसके बाद से एक एससी सिटी मथुरा थे वो शहीद हो गए गोली लगने से। उनको भी मथुरा के अस्पताल में कराया गया, बहुत देर तक उन्होंने जिंदगी और मौत से जूझी, लेकिन जिंदगी और मौत से हार गए। तो उसके बताया जा रहा है कि वहां पर जो ADJ लॉ एंड ऑर्डर आए थे उन्होंने एक बाइट दी थी कि यहाँ पर 12 लोग की मौत होने की पुष्टि करी थी, लेकिन अभी भी मौत की संख्या अभी भी बढ़ सकती है जो सत्याग्रही थे। जी बिल्कुल सौरभ, और जिस तरह से खबरें मिल रही है जब यहाँ पर कार्रवाई की गई उससे पहले यहाँ पर रैकी भी की गई थी, उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस भाप नहीं पाई कि इन सत्याग्रहियों के पास हथियार भी हो सकते हैं, और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि दो साल से यहाँ पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, हथियार का क्या काम यहाँ पर चल रहा था, हथियार का क्या यहाँ पर जरूरत महसूस की गई थी।
देखिए कहीं सत्याग्रही नहीं थे, ये बताया जा रहा है नक्सली टाइप के थे लोग, इनकी मंशा पूरी थी कि जो बेस कीमती जमीन है सरकारी उस पर कब्जा कर लिया जाए, और अनैतिक मांग थी इनकी जो प्रशासन पूरी नहीं कर सकता, हमारा सिक्का चलेगा सोने का सिक्का, 1 रुपए लीटर हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल देंगे, और जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं उनके पास नागरिकता नहीं है हम नागरिकता देंगे। हाँ कल पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से मन नहीं था इस ऑपरेशन करने के लिए, रिहर्सल कर रही थी पुलिस प्रशासन का, आज का दिन पूरा था कि ऑपरेशन किया जाएगा इन्हें भार प्रेम पूर्वक भगाया जाएगा, और प्रशासन ने बाकायदा लाउड स्पीकर भी लगाए गए थे, इनसे अपील भी करी गई थी, जो लोग जाना चाहते हैं अपनी इच्छा से वो चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन कल रिहर्सल करने गया था और जो सत्ता गई थे उग्र हो गए। सबसे बड़ी चूक अगर इसमें माने तो हम LIU की मानेंगे, जो खुफिया एजेंसी है मथुरा की, वो उसका अंदाजा नहीं लगा पाई, ना खुफिया रिपोर्ट दे पाई कि ये इतने हथियार हो सकते हैं इनके पास, आखिर में इतने हथियार कैसे आए, देसी बम देसी कट्टे जो पुलिस के ऊपर फायरिंग। सौरभ रोकना चाहेंगे, कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले को लेकर? जितनी भी निंदा की जाए इस सरकार के कानून व्यवस्था के फेल्योर की वो कम है। इतनी बड़ी तादाद में इतने लोग वहां इकट्ठा होते गए, इतने भारी लाल लश्कर अफलह के साथ, इसमें जिसको कोर्ट को हस्तक्षेप करके हटवाने का निर्देश दिया गया, सालों से पड़े थे, प्रशासन क्या करता रहा, वहां इतने हथियार लेके लोग बैठे रहे, हमारी जो सूचना तंत्र है वो क्या करती रही जी? अधिकारी गए, इतनी बड़ी घटना SP सिटी और एक हमारे थानेदार की हत्या हो जाए, ये मामूली बात नहीं है। कितने वो लोग दुशासित थे, कितने तैयारी से बैठे थे, और प्रशासन का जो अमला था स्थानीय स्तर पे, उनको कोई इस सब चीजों का इल्हाम नहीं, जानकारी नहीं, जाने गंवा दी, जो काम इजली पहले से किया सकता था उसको इतने दिन तक क्यों वहां पे जमे रहने दिया, और उसको भी वो सूचना ठीक से इकट्ठी नहीं करके और ठीक से ऑपरेशन क्यों नहीं किया जी? बिल्कुल अखिलेश जी, अखिलेश जी, राज्य सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही निशाने में रहा है, और जिस तरह से ये वारदात ये घटना सामने आई है, एक बार फिर से राज्य सरकार की नीतियों कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल अब खड़े होने लग गए हैं। हाँ देखिए, जो कानून व्यवस्था की पहली प्रायोरिटी होती है कि जब मर्ज दिखे बनना शुरू हो उसी वक्त उसका इलाज कर दिया जाए जी, तो सबसे अच्छी सिचुएशन वो होती है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है उल्टा, जब मर्ज एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाए और वो भी अदालतें हस्तक्षेप कर रही हैं, तब उसके इलाज के लिए सरकार उठ रही है, जग रही है, फिर भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये सरकार की जो सोच होनी चाहिए, जो काम करने के तरीके होने चाहिए, उसी में खराबी है, उसी में कमी है। तो आगे तो ये रिजल्ट तो आना ही है। आप अगर अपने नीतियों में बदलाव नहीं करेंगे, कहीं कोई इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल उसी का ये नतीजा है अखिलेश जी, कि इस तरह का हादसा सामने आया है, कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, SP और थाना प्रभारी की भी इसमें मौत हो गई है, शहीद हो गए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखने के लिए। प्रतिक्रियाएं और भी आ रही हैं यहाँ पर, किसने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो कुछ हुआ दुखद दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक है। क्या कर रहा था इंटेलिजेंस? हमले हो जा रहे हैं पुलिस पर, ये पहली घटना नहीं है। सरकार जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनका इकबाल कायम नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, तो सरकार को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही राज्य सरकार निशाने में रहती थी, अब नीतियों को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ताजा तरीन खबर